रखी, लेकिन हरियाली अलग टेंजेंट पे और सितारा के साथ डांस कंपटीशन करना है, क्या है पूरा चक्कर? एक्चुअली अभी कंपटीशन चल रहा है सितारा और हरियाली में कि कौन द बेस्ट बहू बनने वाला है बड़ी रानी के लिए. सो दैट्स वाई जब सब लोग सितारा को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो हरियाली इज़ लिटिल जेलस. और जब डांस की बात आती है तो शी वॉन्ट्स टू प्रूव हर सेल्फ, वो प्रूव करना चाहती है लाइक हरियाली भी किसी से कम नहीं है. दैट्स वाई वो कॉम्पिटिशन के लिए बोलती है नहीं सितारा नहीं, अभी हरियाली भी डांस करेगी. ओके, तो ये किसने की है पूरी पार्टी की प्रिपरेशन? से विराज और सितारा ने मिलकर की है या हरियाली का हाथ है? नहीं, ये सारा जो प्लान है सब विराज का है. विराज ने हम सबको बोला कि कोई बताएगा नहीं, इट्स अ सरप्राइज पार्टी. सो या ये विराज ने सब कुछ मैनेज किया है. ओके, तो कोई भी टेलीविजन की पार्टी बिना धमाके के तो इनकम्प्लीट है, तो यहाँ पे क्या धमाका होने वाला है डांस के अलावा? एज सच अभी कुछ तो धमाका, बड़ा धमाका नहीं हुआ, बट हाँ ये हो रहा है कि अभी जो रानी माँ है वो सितारा और विराज को एक धागे में बांध रही हैं 24 घंटे तक ताकि उनमें प्यार बढ़े. तो हरियाली को जब ये पता लगता है कि ये सब हो रहा है तो वो उसको और गुस्सा आता है, तो अब वो कुछ करेगी धमाका आफ्टर पार्टी. थैंक यू. मुझे राजगुरु की बिकॉज मुझे वापस विश्वकन्या बनना है, बिकॉज सब विश्वकन्याएँ और हरियाली सब पीछे पड़े हुए हैं मेरे और कुंवर्स आके. सो मैं उनके रूम में जाके ढूंढती हूँ तो मुझे उनकी छड़ी मिल जाती है एंड आई वांट टू नो वेयर इज़ ही नाउ. तो वो छड़ी मुझे गाइड करती है कि राजगुरु कहाँ है. रानी माँ मुझे नहीं चाहती कि मैं दोबारा विश्वकन्या बनूं, बिकॉज ऑब्वियसली वो नहीं चाहती कि उनका बेटा किसी विश्वकन्या के साथ रहे. सो उन्हें एक डर है तो इसलिए वो नहीं चाहती कि मैं दोबारा विश्वकन्या बनूं. वेल अभी नहीं पता कि दोबारा विश्वकन्या बनेगी या नहीं, बट वो ऑफकोर्स उन्होंने उसे राजगुरु से मिलना है और वो चाहती है कि वो दोबारा विश्वकन्या बने. थैंक यू. दिया था बिकॉज सांप उसे काटने वाला था तो मैंने सेफ्टी के लिए पुश कर दिया था एंड दैट्स हाउ ही इज हर्ट. हाँ, लेकिन कुछ खफा से नज़र आ रहा है, मतलब काफ़ी टाइम से चला है कि विश्वकन्या. हाँ, क्योंकि उसे ऐसा बताया गया कि जितनी बार भी ये लोग करीब जा रहे थे तो उसे याद दिलाया गया कि कैसे उससे दूर होती थी. तो उसके पीछे रीज़न ये था कि वो एक विश्वकन्या, उनसे बताया नहीं गया, तो ये भी एक रीज़न है. और ऊपर से हरियाली ने उन्हें जो कुछ भी बोला है तो इस वजह से वो खफा है अभी. शादी कर ले, हाँ उसी इंटेंशन से आई हैं और वो चाह रही हैं कि विराज उनकी मांग भर दें, लेकिन थोड़ा सा कोशिश उनको करनी पड़ रही है क्योंकि विराज तो सितारा से प्यार करते हैं तो रेडी नहीं है कुछ भी करने के लिए. पता नहीं, मैं कोशिश तो बहुत कर रही हूँ, होपफुली सक्सेसफुल हो जाऊँ. सो लेट्स सी कब कुंवरसा मानेंगे मेरी बात और कब हम फिर से यू नो एक हो गए, फ्रेंड्स होंगे, बट ये तो बिल्कुल बात करने को भी रेडी नहीं है. सो लेट्स सी. थैंक यू. ओके, थैंक यू. तो इतनी मतलब तपस्या की है, हरियाली की इतनी मदद ली और आज फाइनली सितारा को होश आ ही गया है. सो विराज के लिए किस तरह का मोमेंट था वो जानना चाहिए. विराज के लिए तो विराज को एक तरह से दोबारा एक लाइफ मिल गई है क्योंकि इतने दिन से वो वेट कर रहे थे कि सितारा होश में आ जाएँ और सितारा ठीक हो जाएँ. फाइनली वो दिन आ गया है, सितारा इज ऑल ओके नाउ. तो विराज की तो इससे बड़ा कोई दिन ही नहीं हो सकता. पूछना चाहिए कि विराज के लिए आज एक और शॉकिंग मोमेंट था जो अभी रिसेंटली हुआ है हरियाली के साथ. हरियाली का जो माइंडसेट चेंज हो गया विराज के लिए, तो सीन क्या था वो जानना चाहिए. नहीं, हरियाली का माइंडसेट चेंज नहीं हुआ है, हरियाली का शुरू से ही इंटेंशन था और इसलिए हरियाली ने बोला हुआ था कि एक दूसरी शर्त है जो मैं वक्त आने पर बताऊँगी और फाइनली आज उसने वो शर्त सामने रख दी है. और विराज के लिए बहुत शॉकिंग है, विराज ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसी कोई शर्त उसके सामने रखी जाएगी. तो वो हमेशा कहता रहा कि चाहे मेरी जान मांग लो, तो लेकिन आज जो शर्त रखी है वो जान मांगने से भी ज़्यादा है, तो इसलिए शॉक लग गया विराज को. तो खुद क्या विराज इस चीज़ के ऊपर मतलब अपने आप को आमादा कर पाएंगे, क्या वो सितारा को छोड़ने की भी सोच सकता है? अभी विराज के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है क्योंकि विराज ने प्रॉमिस किया था कि वो जो भी मांगेगी उसे देगा और
एक और बात है क्योंकि उसे पता है हरियाली बहुत पावरफुल है, तो हरियाली ने कहा है कि अगर वो शर्त पूरी नहीं हुई तो हरियाली ने जैसे जान बचाई है सितारा की, वो जान ले भी सकती है। सो दिस इज़ द रीज़न कि विराज को शर्त माननी पड़ेगी। जैसे विराज के लिए दूसरी शर्त इतनी ज़्यादा शॉकिंग रही है और एक और शर्त बाकी है, तो क्या आगे के लिए विराज अब प्रिपेयर करेंगे? नहीं, दो शर्तें थी, दोनों आज सामने आ गई। पहली तो उस टाइम ही आ गई थी और जो महल में रहने वाली शर्त थी, और आज दूसरी शर्त है तो वो भी सामने आ गई। तो मतलब बहुत 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 ही डिफिकल्ट है विराज के लिए, लेकिन अभी मानना तो पड़ेगा ही। थैंक यू। मैं आ चुकी हैं, क्या कहना चाहेंगे अपने पहले इस लुक के बारे में बताइए। जब आपने पूरा ये लुक लिया तो आपको पर्सनली कैसा लगा? सो आई एम फीलिंग लाइक अ ट्री राइट नाउ। सी इट्स ऑल ओवर ट्री लीव्स एंड ऑल द टियारा इज ऑल अबाउट दैट एंड दिस इज द यू नो रूट्स एंड माय हैंड्स आर लाइक फ्रॉम कमिंग फ्रॉम रूट्स सो इट्स डस्टी एंड ऑल सो या इट्स लाइक यू नो वेरी क्रिएटिव एंड न्यू लुक। बहुत ही खूबसूरत लग रही, लेकिन ऐसा लग रहा है बहुत सालों से कहीं थी और यू नो ये स्क्रैचेस ये सब, थोड़ा बताइए क्या है? Yeah, so it's like I'm coming from like 400 years ago. So that's why इसलिए बहुत पुरानी look दी गई है मुझे. You know, everything is just brown, green. My lips are brown and green glitter. My eyes are green. It's like everything is like tree. और ये दो अंगूठियाँ बहुत खास दिख रही हैं. Yeah, so basically मेरी इस ring में सारी powers हैं. So if I want to show my powers, तो मैं इस ring को use करूँगी. तो फाइनली क्या चल रहा था, मैं जानना चाहता हूँ कि यू नो विराज लेके जा रहे हैं और आप लोग सबसे छुप छुपा के घर में, वो क्या हो रहा था? विराज को एक्चुअली मैं मिलती हूँ और विराज मुझसे हेल्प मांगते हैं कि मेरी वाइफ को ऐसे ऐसे हुआ, तो आई विल हेल्प हिम बिकॉज आई कैन कंट्रोल यू नो नेचर, सो दैट्स व्हाई मैं अपनी सुपर पावर्स जो नेचर पावर्स हैं उससे यूज़ करके और मैं उनको ठीक करूँगी अदा को। और हमने देखा आपका रूम जो है वो घर वो उसमें कैसे क्या होने वाला है, बहुत सब तरफ हरियाली, बिस्तर पे भी पूरा एकदम हरियाली। या हर तरफ हरियाली है, दैट्स व्हाई आई एम हरियाली ओवर हियर। सो नो इट्स वेरी मच फन, इट्स इंटरेस्टिंग। सी क्या आगे एंड प्लीज वॉच सितारा राइट नाउ। ओके, सो मेरी एंट्री कल से है, कल इंट्रोडक्शन, एंड प्लीज वॉच। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू, एक शॉट से मैं थोड़ा ना टर्न हो जाएगा। जी बिल्कुल, जो वृंदा माँ है उन्होंने झोंक से एक बेबी को जन्म दिया था जो कुंवरसा को विश पुरुष बना रहे थे। सो आई गॉट टू नो दैट, मैंने एक ट्रैप रचा था एंड वो बेबी ने बिल्कुल वैसे ही किया एंड यू नो सो आई कुड मेक आउट और मैंने वो बेबी को ख़त्म कर दिया। सो एक जो लिंक थी जो कुंवरसा को विश पुरुष बना रही थी वो मैंने ख़त्म कर दी। सो दैट्स व्हाट आई डिड टुडे। या सी मेरा फुल एम है कि इस नवरात्रि में मैं कुंवरसा को विश पुरुष, बिकॉज नाइन्थ डे पे माँ ने मुझे चैलेंज किया है वो कुंवरसा को पूरी तरह से विश पुरुष बना देंगी एंड देन ही कैन नॉट कम बैक टू हिज ह्यूमन फॉर्म, और मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ और इसलिए मैंने निर्जला व्रत रखा है एंड मैं पूजा कर रही हूँ ताकि वो विश पुरुष कभी ना बने। सो इसलिए मैं वो लीच मुझ पर, जब वो बच्चा लीच बन जाता है तो पद्मनी मुझ पर नमक का पानी डालती है एंड देन वो सारी काली शक्तियाँ ख़त्म हो जाती है। तो एक स्टेप ले लिया है मैंने जो मेन लिंक था, आगे देखते तकलीफें तो आएगी और सितारा तकलीफें लेती रहेगी। इस बार मतलब प्यार जो खिलता है वो बहुत ही अजीब रूप वो ले चुके हैं, तो सितारे के लिए जो प्लान्स यही है कि बस किसी भी तरह, माई होल एम इज़ कि किसी भी तरह विराज को विश पुरुष ना बनने दूँ मैं।
सो आई एम ट्राइंग टू सी कि जो जो माँ प्लान बना रही है उस प्लान को मैं ख़त्म करती रहूँ. और इसलिए अभी भी जो मेरा और माँ का सीन होने वाला है, इट्स अ फाइट सीक्वेंस वे वो विश पुरुष को अपने कब्जे में कर लेती है, उसे छुपाने जाती है कि मैं उस तक ना पहुँच जाऊँ. एंड देन आई कम देयर एंड देन हाउ वी हैव अ फाइट अभी. सो ऑल दैट इज़ हैपनिंग. सो ये होता ही रहेगा अभी. थैंक यू. किसके लिए रखी है? मैंने रखा है व्रत फॉर विराज, बिकॉज वो विश पुरुष ऑलमोस्ट बन रहे हैं. तो मैंने चैलेंज दिया अपनी माँ को कि मैं 9 दिन आखिरी दिन तक, 9वें दिन तक मैं विराज को सही कर दूंगी, ही विल बी बैक टू नॉर्मल. और इसलिए मैंने ये व्रत रखा है. इस तरह जैसे जैसे ही आप अपने सासू माँ के को प्रसाद देने जाती है, वैसे एक अदृश्य शक्ति आपको परेशान करती है, तो वो क्या है? वो मेरी माँ ने भेजा है. व्हाट इज इट? फायरबॉल. फायरबॉल बट अदृश्य है ना, हाउ डू यू नो? हाँ, बट आई एम टेलिंग द ऑडियंस व्हाट इट इज. तो वो एक फायरबॉल है जो पूरी कोशिश कर रही है वृंदा माँ मेरा व्रत तोड़ने की, तो इसलिए उन्होंने वो फायरबॉल भेजा है मेरी तरफ. तो ये आपके व्रत के चलते आपके जो पतिदेव है, पतिदेव यहाँ है राइट, नाराज है सितारा से जुड़ने के लिए, इतना नाराजगी क्योंकि ये व्रत तो आप ही के लिए है. हाँ, लेकिन अभी नहीं, व्रत है वो समझता है, लेकिन विराज का ये कहना है कि हेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है ना. और वो देख रहा है कि सितारा फेंट हो गई है और डिहाइड्रेट हो गई है, लिप्स ड्राई हो रहे हैं, तो इसलिए उसे लगता है कि अभी फिलहाल इट्स ओके, पानी पी सकते हैं, हेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं. बट विराज को नहीं पता दैट मैंने मन्नत उसके लिए मांगी है. मन्नत नहीं पता, लेकिन व्रत के बारे में पता चला है अभी. वो हमेशा नाराज रहते हैं. इट्स ओके. विराज और विश पुरुष. विराज इज ओके. विराज इज आल्सो बिकम लाइक दैट ना नाउ. ही कीप्स ब्रेकिंग, सब तोड़फोड़ करते रहते हैं विराज. दैट्स व्हाट, वो जब से वो विश पुरुष का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है तब से विराज बहुत गुस्से में रहता है, नाराज रहता है. वो है, वो विराज को ही नहीं पता है, वो सितारा को ही नहीं पता, किसी को नहीं पता वो क्या हो रहा है. ओके. मिट्टी की मूर्ति माँ माता के सामने हम मंत्र पढ़ रहे हैं ना दी? नहीं, वो मिट्टी की मूर्ति जो हम कल से बना रहे हैं उनकी बात कर रही है. वो गरबा वाली, वो ये वो मिट्टी की मूर्ति है जो इस शो का सबसे बड़ा धमाका लाने वाली है. ये तो खेल रहे हैं उनके साथ, पूछ रहे हैं उन्हें नया पासा. देखिए नवरात्रि के 9वें दिन के बाद क्या होता है, वही तो मैं कह रही हूँ, इट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न. सो वो तो वेट करके आप लोगों को देखना पड़ेगा. हाँ, एक्चुअली हम यहाँ बता देंगे तो फिर उस चीज़ का मजा आएगा, जो टेलीकास्ट में जब आप देखेंगे तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा. सीन के बारे में बता दीजिए, क्या चला था, आप पानी फेंकने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ा सा बता दीजिए. पानी नहीं फेंक रहे हैं, वो पसीने से गीली हो रही है. सो बेसिकली इस स्पेसिफिक सीन में मैं एक आग का गोला क्रिएट किया है मैंने. और वो आग का गोला इसलिए क्रिएट किया गया है क्योंकि सितारा ने निर्जल व्रत रखा है, तो गर्मी में और ज़्यादा गर्मी क्रिएट करने की एक कोशिश की गई है कि जब इतनी ज़्यादा एक आग का गोला आपके सर पे रहकर, जो कोई नहीं देख सकता, सितारा भी नहीं देख सकती, जब इतनी गर्मी क्रिएट करेगा तो आप कैसे कंटिन्यू कर पाएंगे विद द फास्ट. सो इट्स अनदर अटेम्प्ट कि वो अपना निर्जल व्रत तोड़ दे. तो वो गोला मैं भेजती हूँ, आग का गोला. आग का गोला, सो वही क्रिएट किया जा रहा है आज. ओके, एक तरफ आग का गोला है और एक तरफ ये बुल बना के कुछ भेजा गया घर के अंदर ही. जी, 9 दिनों के लिए 9 पेथरे. हाँ, नए नए पेथरे चल रहे हैं, नए नए पेथरे हम अपना. हाँ जी, आज अलबेली को जिस तरह से अलबेली को सीरियल में दिखाया गया, क्योंकि उसका एलिमेंट वाटर है तो बहुत शांत है, वो अपनी बहन से सरलता से बात करती है. इतना कभी क्या वजह है जो अलबेली को फाइनली थप्पड़ पड़ा बहन से, वो भी इतना प्यार करने वाली बहन है. जी हाँ दीदी, है और
मतलब एक तरह से मुझे सरल बताया है, जो ज़्यादा जैसे कि सुरीली का जो फायर है वो काफ़ी गुस्से में रहती है, तो मेरा एलिमेंट के हिसाब से मेरा काफ़ी शांत है। तो आज गलती की मैंने तो मुझे थप्पड़ पड़ा है। गलती वो हुई है कि मतलब आप गलती भी नहीं कह सकते, हमने एक चलाकी चली थी। हमने पंचामृत जो चरणामृत बना था उसमें दीदी ने शराब मिला दी थी ताकि उनकी पूजा ना पूरी हो और वो भंग हो जाए और हम विराज को विश पुरुष बना सके। तो ये प्रॉपर एक प्लानिंग थी और अननोइंगली मुझे नहीं पता था कि उसमें पंचामृत में अल्कोहल है। तो मैं मदद करने के लिए कि पंचामृत पूजा तक पहुँचे नहीं, मैं रास्ते के बीच में से ही उसे लेके पी लेती हूँ कि अब प्रसाद नहीं होगी तो पूजा कैसे होगी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इसमें अल्कोहल है। तो मैं पी गई और आकर मैंने सारा सच उगल दिया और मुझे थप्पड़ पड़ गया। इतनी प्लानिंग, इतनी प्लॉटिंग करने के बाद आज पूरा रहस्य जो फैमिली के सामने आ चुका है, तो इसका क्या अंजाम होने वाला है, क्योंकि फैमिली को कहीं ना कहीं सारी सच्चाई पता चल चुकी है। जी, इसका डेफिनेटली अंजाम तो बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि हम जिस तरह से घर को पावर कर रहे थे, क्योंकि हमारी सच्चाई किसी को पता नहीं थी, अब सच्चाई सबके सामने आ गई। डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा स्टेप लिया जाएगा अब शो में, और अब आप आगे देखेंगे हम किस तरह से इसे हैंडल करते हैं। जब विश्वकन्या बनी गए तो अब विश्वकन्या बन के अब हम उन्हें कैसे डराएंगे या किस तरह से वो हमें भगाएंगे या हम इस घर में रहेंगे, ये तो आगे वाले एपिसोड में आपको पता चलेगा। वही रानी माँ जो सितारा पे कभी बिलीव नहीं करती थी और उनको लगा था कि जो राजा जी उनको सितारा ने मारा है, तो आई गेस अब वो उन पे बिलीव करेगी, उनकी हर बात पे बिलीव करेगी। लेकिन अब जब उन एक ट्विस्ट ये भी है कि ये भी तो है कि सितारा भी एक विश्वकन्या ही है, तो वो एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है कि क्या वो उसको भी निकाल देंगी, क्या वो हमारे साथ रहेगी या फिर वो इस घर में रहेगी, ये तो आई गेस आने वाले एपिसोड में आप लोगों को पता चलेगा। थैंक यू। बहन की हरकत देखी थी आपने, करतूतें क्या कर रही थी वो देखी थी आपने, सिर्फ थप्पड़ मारा मतलब कमरे में होती तो कूट देती शायद, बट कुछ हिला देने वाला मामला हो गया था एंड उसे रोकने के लिए कुछ करना था इमीडिएटली, सो आई थिंक द स्लैप वाज द ओनली क्लोजेस्ट सेफेस्ट आंसर। फैमिली क्या स्टेप लेगी ये तो पता नहीं, लेकिन हम बाजी पलटने में उस्ताद हैं एंड आई एम प्रिटी श्योर कि हम फिर कोई तरीका निकाल लेंगे टू ट्विस्ट दिस अराउंड, टर्न दिस अराउंड, एंड आई थिंक दिस विल ओनली गेट मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग। लास्टली सितारा को जहाँ तक फैमिली विचार करती है, आज फैमिली सितारा की बातों को कहीं ना कहीं मान लेगी, तो इसका क्या पॉजिटिव क्या फॉलो होने वाला है शो में? मैं गारंटी से आपको बोल रही हूँ ये हम पलट देंगे, इस वक्त उसकी बात पे ज़रूर विश्वास किया जाएगा, लेकिन भले ही टाइम पीरियड के लिए सही, इंटरिम पीरियड के लिए सही, लेकिन हम इसे पलट के रहेंगे। थैंक यू।